प्यारे बच्चों, हमने पिछले लेक्चर में आपको सरल आवर्त गति के बारे में बताया था। आज हम उसी को आगे बढ़ाते हुए आपको कला क्या होती है, सरल आवर्त गति में कला क्या होती है, कला कहते हैं फेस। किसके बारे में बताने जा रहे हैं हम? कला, कला अंग्रेजी में कहते हैं इसे फेस, ये ड्राइंग नहीं है। एक ऐसी भौतिक राशि जो गति करते हुए कण की स्थिति तथा गति की दिशा को दर्शाती है समय के साथ। वह भौतिक राशि जो गति करते हुए किसी कण की स्थिति, किसी क्षण स्थिति तथा गति की दिशा को दर्शाती है, कला कहलाती है। अब यहां पे सरल आवर्त गति में कला क्या महत्वपूर्ण चीज रखती है? दो वस्तुएं दोलन कर रही है। एक वस्तु आगे है, एक वस्तु पीछे है। तो आगे वाली पीछे से कितने आगे है, उनके बीच का अंतर क्या कहलाएगा? कला कहलाएगा, कलांतर कराएगा। जो वस्तु की स्थिति को, किसी क्षण वस्तु की स्थिति तथा गति की दिशा को दर्शा रही है, वो भौतिक राशि को हम क्या कहते हैं? कला कहते हैं। जैसे हम भौतिक राशि की एक समीकरण लिखते हैं, देखो इधर देखो, y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, हमने पिछली बार ड्राइव करी थी। अब मैं अगर ये लिखता हूं साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, तो इसका मीनिंग क्या है? तो इसका सीधा सीधा मीनिंग ये है कि कलांतर जो है, जो कण है वो फाई कोण आगे है। तो कण जो है वो कितने कला आगे है? फाई कला आगे है। तो ये भौतिक राशि की स्थिति को दर्शाती करती है। फिर हम आज आते हैं अपने दूसरे महत्वपूर्ण टॉपिक पे, नगण्य द्रव्यमान के क्षैतिज स्प्रिंग से बंधे पिंड की गति। नगण्य द्रव्यमान के क्षैतिज स्प्रिंग से बंधे पिंड की गति। देखिए, स्प्रिंग क्या होता है? आप खींच सकते हैं, दबा सकते हैं, स्प्रिंग आप सब जानते हैं। स्प्रिंग हर चीज में, काफी चीजों में यूज हो जाता है। साइकिल वगैरह चला रहे हैं उसमें भी स्प्रिंग होता है, स्टैंड में। स्कूटर चला रहे हैं, स्कूटर के स्टैंड में भी स्प्रिंग होता है। तो हमने एक चित्र बना रहे हैं यहां पे, ये एक स्प्रिंग है, इससे एक द्रव्यमान बंधा हुआ है, इस ये द्रव्यमान है M। अगर हम इस स्प्रिंग को खींचते हैं, मतलब बाह्य बल लगाते हैं जिससे खींच जाता है, सीधी सीधी सी कहानी है। अगर हम बाह्य बल लगाते हैं और ये खींच जाता है, कितनी दूरी खींच गया? x दूरी खींच गया। तो ये पिंड क्या करेगा? गति करेगा, इस पर एक बल कार्य करेगा। ये बल अंदर की ओर कार्य करेगा। ये बल कैसे कार्य करेगा? अंदर की ओर कार्य करेगा। f, ये x को हम यहां ध्यान से प्रदर्शित कर देते हैं, बल छोटा दिखाई दे रहा है। बल एक कार्य करेगा, बल। ये बल कौन सा बल होता है? प्रत्यानंद बल। जो हमने स्प्रिंग यूज किया है उसका स्प्रिंग नियतांक क्या है? के है। हमने एक नगण्य द्रव्यमान वाली एक हल्की स्प्रिंग, जिसका स्प्रिंग नियतांक के है, कि एक सिरे को दृढ़ दीवार से बांध दिया है। किससे बांध दिया है? दृढ़ दीवार से बांध दिया है। दूसरे सिरे पर द्रव्यमान बांध दिया है और इसे घर्षण रहित क्षैतिज तल पर रखा है। क्या कंडीशन रखी है हमने? इसे घर्षण रहित क्षैतिज तल पर रखा है। जब हम इसे घर्षण रहित क्षैतिज तल पर रखेंगे तो क्या होगा? जब हम इसे दाईं ओर खींचेंगे, ये दाईं ओर आ रहा है, हम दाईं ओर खींचेंगे, खींच जाएगा माध्य स्थिति से। कितनी दूरी खींच गया? एक्स दूरी खींच गया। तो अब स्प्रिंग पे लगने वाला प्रत्यानयन बल कितना होगा? प्रत्यानयन बल
एफ अनुकर्मानुपाती माइनस एक्स, एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स। के यहां का क्या है? स्प्रिंग नियतांक है, स्प्रिंग नियतांक। अब जब हम स्प्रिंग को खींचेंगे, विस्थापित करेंगे, तो स्प्रिंग खींचा और ऐसे ही अगर मैं स्प्रिंग को क्या करूंगा, संपीड़ित कर दूंगा, दबा दूंगा। कितनी दूरी दबा दिया? एक्स दूरी। तब भी बल कार्य करेगा। तब बल कैसे कार्य करेगा? बाहर की ओर, प्रत्यानंद बल बाहर की ओर कार्य करेगा। तो ये स्प्रिंग क्या करेगा? खींचेगा दबेगा, खींचेगा दबेगा। तो ये क्या करेगा? एक गति करेगा, मतलब माध्य स्थिति के उधर उधर क्या करने लगेगा? दोलन करने लगेगा। जो दोलन करते समय त्वरण क्या है? दोलन का त्वरण अल्फा किसके बराबर होगा? दोलन का त्वरण ले लेना, तो दोलन का त्वरण होगा तो बल कितना लगेगा? जो त्वरण है तो बल कितना लग जाएगा? एफ इजिकल टू एम अल्फा। ये पहली समीकरण, ये दूसरी समीकरण। भाई त्वरण किससे उत्पन्न होता? बल से उत्पन्न होता है। और समीकरण एक व दो से, समीकरण एक व दो से ये बल एम अल्फा किसके बराबर हो जाएगा? माइनस के एक्स के। अल्फा इज इक्वल टू माइनस क्या हो जाएगा? माइनस के अपॉन एक्स इंटू एक्स। तो अल्फा किसके बराबर हो गया? माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, जहां ओमेगा स्क्वायर क्या है मेरे पास? के बाय। अब ये अल्फा अनुकर्मानुपाती किसका हो गया? माइनस एक्स की। ये किसकी कंडीशन है? सरल आवर्त गति। ये किसकी कंडीशन है? सरल आवर्त गति का प्रतिबंध है, प्रतिबंध। इसका मतलब ये स्प्रिंग से बंधा हुआ पिंड सरल आवर्त गति कर रहा है अपनी माध्य स्थिति के इधर उधर। इसका आवर्तकाल कितना हो जाएगा? t इज इक्वल टू क्या होता है? 2 पाई बाई ओमेगा, 2 पाई अंडरूट k बाय एम। तो t का मान कितना आ जाएगा? t इज इक्वल टू 2 पाई अंडरूट एम अपॉन के। इसकी आवृत्ति क्या हो जाएगी? एक बटा टी होता है तो एफ हो जाएगा एक बटा दो पाई अनरूल के बाय एम। यह आवर्तकाल के लिए सूत्र हो गया और यह आवृत्ति के लिए सूत्र हो गया। अभी हमने जो कंडीशन ली है वो एक स्प्रिंग से बंधे पिंड की सरल आवर्त गति कराई है। अब दो स्प्रिंगों से एक पिंड बंधा हुआ है, दो स्प्रिंगों से एक पिंड बंधा हुआ है, उसकी तीन स्थितियां हैं जिसमें हम उनकी गति करा रहे हैं। हम उसको उसके लिए त्वरण के लिए और उसकी आवर्तकाल के लिए पहले तो हम सिद्ध करेंगे कि उसकी गति सरल आवर्त गति है, कि सरल आवर्त गति कर रहा है जो है हमारा। और दूसरी चीज फिर हम कहेंगे कि जो ये सरल आवर्त गति कर रहा है इसका आवर्तकाल कितना है। तो अभी हमने एक स्प्रिंग लिया था, उससे पिंड कनेक्ट जुड़ा हुआ था, अब दो स्प्रिंगों के बीच में एक पिंड लेंगे। देखो बच्चों, एक मिनट, दो स्प्रिंगों से जुड़े, दो स्प्रिंगों से जुड़े द्रव्यमान की गति, किसकी? द्रव्यमान की गति। द्रव्यमान मतलब पिंड की गति, दो स्प्रिंगों से जुड़े द्रव्यमान की गति। इसमें पहला केस ले रहे हैं, फर्स्ट केस, ध्यान देना जरा। इसमें हमने क्या किया? दो पिंडों को देखो, पहला केस हमने लिया। हम पहले केस में क्या करेंगे? एक स्प्रिंग लेंगे,
हमने एक स्प्रिंग लिया, उस स्प्रिंग से दूसरा स्प्रिंग जोड़ दिया, अब द्रव्यमान लगा दिया, एक तीन दो पांच, तीन दो पांच, एक द्रव्यमान। ये किस पे है? घर्षण रहित तल पे। ये पिंड किस पे है? घर्षण रहित तल पे। इसका बल नियतांक K1 है और इसका बल नियतांक कितना है? K2। तो अब जब मैं इसे खींचूंगा, दो तीन चार पांच, एक दो तीन चार पांच, ये पिंड अपनी माध्य स्थिति से x दूरी विस्थापित हुआ। कितना विस्थापित हुआ? x दूरी विस्थापित हुआ। बच्चों, अब इस बल नियतांक के कारण कितनी दूरी विस्थापित हुई? x1। इस बल नियतांक के कारण कितनी दूरी विस्थापित हुई? ये x1 तो हमें नजर आ रहा है कि यहां से यहां तक खींच गया x1। ये x2, x1 जोड़ के फिर यहां पे x2 आएगा, तो टोटल जो विस्थापन हुआ, इसका बल नियतांक K1 है, यहां पे जुड़ा हुआ है, इसका बल नियतांक K2 है, तो यहां इस पिंड पे क्या लगेगा? एक प्रत्यानयन बल लगेगा, कुल प्रत्यानयन बल जो लगेगा, ठीक है, कुल प्रत्यानयन जो बल लगेगा। तो इसमें क्या हो जाएगा? हमारे पास जो बल लगेगा F, जो बल समान लग रहा है, जो बल जो लग रहा है वो कैसे लगने लग रहा है? श्रेणी क्रम में स्प्रिंग को जोड़ रखा है तो समान प्रत्यानयन बल आरोपित करेगी। श्रेणी क्रम में आपका क्या हो जाएगा? हमने एक स्प्रिंग से दूसरा स्प्रिंग किस में जोड़ा हुआ है? श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है। और किस पे रखा हुआ है? घर्षणहीन सैथी तल पे रखा हुआ है। जब हमने इसे खींचा तो अपनी साम्य स्थिति से कितनी दूरी विस्थापित हुआ? x। या x1 तो हम शो कर सकते हैं, x2 कैसे शो करेंगे? x2 अगर यहां से शो करेंगे तो पूरा x है वो तो, और क्योंकि स्प्रिंग श्रेणी क्रम में है तो स्प्रिंग पे समान प्रत्यानयन बल लग रहा है। यहां पे x किसके बराबर है हमारे पास? x1 प्लस x2। तो f1 कितना हो जाएगा? माइनस k1 x1। तो x1 किसके बराबर हो गया? f/k1 माइनस। इसी प्रकार f किसके बराबर हो जाएगा? माइनस k2 x2। तो x2 किसके बराबर हो जाएगा? माइनस f/k2। बच्चों, समीकरण एक में देखें, समीकरण एक से x = किसके बराबर है? x1 + x2। x का मान रख दिया माइनस f/k1 माइनस f/k2। हमने क्या किया? f बाहर कॉमन ले लिया, a1/k1 प्लस 1/k2। कोई दिक्कत? तो ये क्या हो गया? x = माइनस f k2 प्लस k1 k2 प्लस k1 एलसीएम कितना लिया था? k1 k2। तो f = माइनस k1 k2 k1 + k2 x। चूंकि स्प्रिंग क्या कर रहा है? अपनी माध्य स्थिति के इधर उधर दोलन, माध्य स्थिति के इधर उधर दोलन, तो त्वरण क्या हो गया? इसमें त्वरण हो गया अल्फा। तो f किसके बराबर हो गया? m अल्फा। ये समीकरण एक और ये समीकरण दो, समीकरण एक व दो से तो m अल्फा किसके बराबर आ गया? माइनस k1 k2 k1 + k2 x। α = माइनस k1 k2 k1 + k2 m x लिख दिया। तो यहां अल्फा किसके बराबर आ गया? अल्फा आ गया माइनस ओमेगा स्क्वायर x के बराबर। तो
अल्फा अनुक्रमानुपाती माइनस एक्स आ गया, ये कौन सी गति आ गई, सरल आवर्त गति, जहां ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर है, के वन के टू अपॉन के वन प्लस के टू अपॉन। तो आवर्त काल कितना हो जाएगा अब इसका, टी इज इक्वल टू क्या होता है, टू पाई अपॉन ओमेगा, तो टू पाई अंडरूट एम के वन के टू अपॉन के वन प्लस के टू, तो टी इज इक्वल टू टू पाई अंडरूट एम के वन प्लस के टू अपॉन के वन के टू, ये किसके लिए आ गया, आवर्तकाल के सूत्र आ गया। अब हम इसकी एक दूसरी स्थिति का भी अध्ययन करेंगे। इस दूसरी स्थिति में हम क्या करेंगे, हम दूसरा केस लेंगे, इसमें हम दो दृढ़ आधार लेंगे जिनसे दोनों अलग अलग स्प्रिंगों को क्या करेंगे, जोड़ेंगे और उनके बीच में एक पिंड लगाएंगे। इनको किस पे रखेंगे, हम इनको रखेंगे घर्षण रहित तल पे। किस पे रखेंगे बच्चों, हम इसको रखेंगे घर्षण रहित तल पे। अब हमारा केस सेकंड है, इस केस सेकंड में हमारे पास दो दृढ़ आधार हैं, एक स्प्रिंग जोड़ा, इसके बीच में एक पिंड जोड़ दिया, फिर एक स्प्रिंग जोड़ दिया, फिर एक पिंड जोड़ दिया, ये दृढ़ पिंड है, दृढ़ आधार है, और ये किस पे रखा हुआ है, घर्षण रहित तल पर। इसका बल नियतांक के वन है, इसका बल नियतांक के टू है। बच्चों अगर मैं इस दृढ़ आधार के बीच वाले पिंड को एक तरफ खींचूंगा, मान लीजिए मैंने इस तरफ खींचा, तो ये खींच जाएगा, ये खींच गया, ये दब जाएगा, संपीड़ित हो जाएगा, इस पे ये x दूरी क्या हो गया, खींच गया, तो वो x दूरी ही क्या हो गया, संपीड़ित हो गया। तो प्रत्यानंद बल किस तरफ को कार्य करेगा, प्रत्यानंद बल इस तरफ को कार्य करेगा। ये दूरी यहां दिखा देते हैं नीचे, x दूरी क्या हो गया, ये खींच गया, और ये x दूरी बल नियतांक k2 क्या हो गया, संपीड़ित हो गया। जितना एक खींचेगा उतना दूसरा क्या होगा, संपीड़ित होगा। अब ये पिंड अपनी माध्य स्थिति के इधर उधर क्या होगा, अब इधर संपीड़ित हुआ, अब दोबारा स्थिति में इधर संपीड़ित होगा, इधर खींच जाएगा, फिर इधर संपीड़ित हो जाएगा, तो ये माध्यम स्थिति के इधर उधर क्या करेगा, दोलन करने लगेगा। अब ये जब दोलन करेगा तो एक प्रत्यानंद बल कार्य करेगा जो उसे माध्यम स्थिति में लाने का प्रयास करेगा, क्योंकि इसके स्प्रिंग नियतांक अलग अलग है, तो प्रत्यानंद बल भी क्या होंगे, अलग अलग होंगे। तो प्रत्यानंद बल कितने लगेंगे, प्रत्यानंद बल F1 is equal to minus k1x, F2 is equal to minus k2x, क्योंकि दूरी बराबर है दोनों में। तो कुल प्रत्यानंद बल कितना हो जाएगा, नेट प्रत्यानंद बल, नेट प्रत्यानयन बल कितना हो जाएगा, F is equal to कितना हो जाएगा, F1 plus F2, F कितना है, minus k1x minus k2x, F इज इक्वल टू माइनस के वन केवल केवल प्लस के टू एक्स, समीकरण नंबर तीन। अब ये जब माध्य स्थिति के इधर उधर दोलन कर रहा है तो इसका त्वरण कितना हो जाएगा, मत दोलन करते हुए त्वरण कितना है, अल्फा, तो बल कितना कार्य करेगा, एम अल्फा। समीकरण तीन व चार से
एम अल्फा किसके बराबर हो गया, एम अल्फा बराबर हो गया माइनस के वन के वन के वन प्लस के टू एक्स के। तो अल्फा इज इक्वल टू माइनस के वन प्लस के टू एम इंटू एक्स। अल्फा किसके बराबर हो गया, एक्स के अलावा नियतांक मान लेंगे ओमेगा स्क्वायर एक्स, जहां ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर है के वन प्लस के टू अपॉन एम। तो अल्फा अनुकर्मानुपाती माइनस एक्स का आ गया, मतलब त्वरण विस्थापन के अनुकर्मानुपाती है परंतु विपरीत दिशा में है। ये किसका प्रतिबंध है, सरल आवर्त गति का प्रतिबंध है। तो अब इस हमारा आवर्तकाल कितना हो जाएगा, आवर्तकाल 2 पाई अपॉन ओमेगा 2 पाई अंडर रूट k1 प्लस k2 अपॉन m t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट m k1 प्लस k2। तो इस तरह आज हमने 36 स्प्रिंग, जो 36 दिशा में स्प्रिंग था, उससे जुड़े द्रव्यमान की सरल आवर्त गति सिद्ध करी, उसके लिए आवर्तकाल निकाले। पहले केस में एक स्प्रिंग लिया था, बाकी केसेस में 2 स्प्रिंग लिए, उनसे जो द्रव्यमान हमने जोड़े उनकी गति का हमने डिटेल में विवरण किया और डेरिवेशन को ड्राइव किया। बच्चों, जो बच्चा मेरी पहली बार वीडियो देख रहा है, इकाई 1 से आज तक का जितना भी सिलेबस है, मतलब इकाई 9 तक तो पूरा कर चुके हैं, इकाई 10 चल रही है हमारी, संपूर्ण वीडियो आपकी पठन सामग्री की उपलब्ध है, थ्योरी की वीडियो उपलब्ध है, कुछ न्यूमेरिकल्स वीडियो भी उपलब्ध है। तो बच्चों, आप उन वीडियो को देखिए और अपने ज्ञान को बढ़ाइए। आपको मेरा पढ़ाना पसंद आ रहा है तो मेरे वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, शेयर भी कीजिए, और आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया चैनल तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।